रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे, सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है, अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है, आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम दो तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। देखिए, अग्निवीर जैसा स्कीम जो होते हैं, पहले आर्मी में नौकरी कीजिए और आर्मी में नौकरी करने का बाद स्टेट पुलिस में नौकरी कीजिए, या तो आप जहां भी चाहते हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, जहां भी हो, आप चला जाओ। अग्निवीर जैसा स्कीम हमारा देश का युवा शक्तियों को पसंद है, इसीलिए अग्निवीर होने के लिए लाखों लोग इंटरव्यू में आ रहा है। राहुल गांधी ना वो आर्मी हो सकता है, ना वो अग्निवीर हो सकता है, ना वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं। वो माँ का ऊपर एक बोझ है, इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है, वो राहुल गांधी है। इसीलिए राहुल गांधी हमारे सेना का बारे में कमेंट ना करे। राहुल गांधी बार बार सेना का विरोध कमेंट करके, सेना को हर तरफ नाम दे के बुला के देशद्रोह का काम कर रहा है। मैं राहुल गांधी को वार्न करता हूँ, हमारा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, हमको कोई भी वक्त हमें जंग में जाना होते है। इसीलिए हमारे आर्मी का जो आप बोलने से मोराल वीक होते हैं, ऐसा भाषा आप व्यवहार मत कीजिए। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की, इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की जरूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं।